नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का द मिस्टीरियस लैंड यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्जरिंग 3 जो हाल ही फिलहाल में रिलीज़ होने वाली है टेलीविज़न सिनेमा पे। तो दोस्तों क्या आपको पता है द कॉन्जरिंग 3 जो मूवी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होकर बनाई जाती है। जैसे हमें एनाबेल डॉल के बारे में भी उसी मूवी से पता चलता है, ऐसे ही इतिहास के सबसे बड़ी घटना को हमें कॉन्जरिंग 3 में देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्जरिंग 3 में कौन सी इतिहास की सबसे बड़ी घटना को दर्शाया गया है। दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं उसमें किस इतिहास की घटना को दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसमें ग्लैडजेल फैमिली के बारे में बताया जाता है। इस पूरी मूवी जो बनी है ये ग्लैडजेल फैमिली के ऊपर बनी है। दोस्तों इस ग्लैडजेल फैमिली में 4 लोग होते हैं, जिसमें जो पहले होते हैं वो होते हैं कार्ल ग्लैडजेल, उनकी वाइफ जूडी ग्लैडजेल, उनकी बेटी डेबी ग्लैडजेल, साथ ही में उनका एक 11 साल का बेटा भी था जिसका नाम था डेविड ग्लैडजेल। दोस्तों कहानी यहाँ से शुरुआत होती है कि ये लोग अपना एक नया घर खरीदते हैं और उसमें शिफ्ट होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उनका एक बेटा था डेविड ग्लैडजेल, तो उसके साथ ऐसा होता है कि उसको रातों में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। रात में अचानक से वो रातों में चिल्लाने लगा था। हर एक नए दिन, हर एक नई रात में उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ होती थी वो बदलती रहती थी। तो साथ ही में उनके घर वालों ने यह भी नोटिस करा, जो उनकी बैक थी यानी पीठ जो थी उस पर सुबह रात में सो के उठने के बाद सुबह उनके पीठ पे अजीब निशान होते थे। फैमिली के द्वारा डेविड से पूछा गया तो डेविड ने बोला मुझे नहीं पता। तो फैमिली ने यह सोचा कि क्या पता नए घर में शिफ्ट होने की वजह से इसे ऐसा लग रहा है, लेकिन फैमिली जो उनका परिवार था वो वहाँ अचंभित रह जाता है कि जब उनके पीठ पे नए नए निशान बनते हैं। तो और जब डेविड से पूछा गया तो डेविड बताता है कि उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। पहले शुरुआत में तो उसे केवल रात में दिखता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे अब दिन में भी वह बूढ़ा आदमी दिखने लगा था। उन्होंने अलग अलग डॉक्टरों को बुलाया लेकिन उससे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया उनके बेटे के स्वास्थ्य में। उन्होंने पास्टर को बुलाया यानी अलग अलग पुजारियों को बुलाया, लेकिन उससे भी उनके बेटा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और ये सब देखने के बाद अंत में उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वेरन को बुलाया और डेविड ने उन्हें बताया कि जो वो बूढ़ा इंसान उन्हें दिखता है वो उसे मार डालेगा। और दोस्तों साथ ही में वह बूढ़ा आदमी उसे अपनी दुनिया में ले जाने की धमकी भी देता था। दोस्तों जब ऐसा सिस्टम चल रहा था, उस फैमिली की जो बेटी होती है डेविड ग्लैडजेल यानी डेविड की बहन, उस समय जब ऐसा सिस्टम चल रहा होता है उसका बॉयफ्रेंड उस समय उनके घर पर आ जाता है। दोस्तों जो उसका बॉयफ्रेंड है यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है आर्ने जॉनसन। क्योंकि डेविड ग्लैडजेल यानी 11 साल का जो बच्चा है उसकी सिस्टर डेविड ग्लैडजेल का बॉयफ्रेंड है। एसोसिज्म के दौरान वह आत्मा डेविड से निकल तो जाती है परंतु वह उसकी सिस्टर के बॉयफ्रेंड में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद जो होता है वो बहुत ही चौंका देने वाली हादसाएँ घटनाएँ होती जाती हैं। और अब जो घटना घटती है वो यह होती है कि आर्ने जो होता है वो अपने लैंडलॉर्ड की ही हत्या कर देता है। लैंडलॉर्ड की हत्या करने का वो ट्रांस स्टेट यानी खोए हुए स्टेट में निकल जाता है। उसे कुछ पता ही नहीं होता वो कब क्या कर रहा होता है। इस सब के पश्चात ये सारी घटनाएं होने के बाद जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है और इसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है। और जब इससे पूछताछ होती है तो यह कहता है मुझे कुछ याद नहीं। और जब इसे कोर्ट में ले आया जाता है तो यह कहता है कि द डेविल मेड मी डू इट। वह यह कहता है कि यह घटना जो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को चाकू से मारा है वो मैंने नहीं, मुझसे उस डेविल ने करवाया है यानी उस आत्मा ने करवाया है। जो डेविल है ये मेरी गर्लफ्रेंड का जो छोटा भाई है डेविड ग्लैडजेल, उसके शरीर से निकलकर मेरे अंदर आया है। यह केस अमेरिका के सबसे प्रचलित यानी सबसे ज़्यादा फेमस हुए केस में से एक केस बन जाता है। इसमें यह क्लेम करा जाता है कि एक इंसान से एक डेविल यानी एक आत्मा, एक भूत ने किसी का मर्डर करवाया है यानी हत्या करवाई है। वजह से यह स्टोरी यूनिक है और इसे कॉन्जरिंग
3 में भी दिखाया जा रहा है। तो आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसे तो कोई भी आदमी मर्डर कर कर कह देगा कि यह चीज मेरे से डेविल यानी आत्मा या भूत के द्वारा करवाई गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस केस का काफ़ी ज़्यादा पड़ताल किया गया, यानी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें एबनॉर्मल चीज़ें पाई गई। जब एक्सोर्सिज्म हो रहा था तो उस टाइम पे जो डेविड की बॉडी थी वो एकदम ही आत्मा यानी आत्मा के कारण हवा में लटक गई थी। दोस्तों इस केस में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई थी, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा की गई थी, ज़्यादा प्रचलित हुई, काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। तो दोस्तों मूवी तो आने ही वाली है, लेकिन इससे पहले आपको यह स्टोरी पता चल चुकी है। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और ज़्यादा अलग अलग वीडियो बना सकें।